तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखने वाले हैं, क्योंकि तो इससे प्रीवियस हमारा वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कर लिया था, और आज पारी है आपका क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ आपका यहाँ पे बोला जा रहा है इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से टू आइसोटोप, यानी जो ब्रोमीन है इसके दो आइसोटोप हैं आपका, एक आइसोटोप है 35 ब्रोमीन 79 जो कि नेचर में लगभग 749.7% अवेलेबल होता है, और दूसरा जो ब्रोमीन का आइसोटोप है वह 35 ब्रोमीन 81 जो कि नेचर में अबाउट 50.3% जो है आपका अवेलेबल होता है। कैलकुलेट करना है मुझे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो मुझे जब भी किसी एलिमेंट का एवरेज जब भी मुझे कभी किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है, तो हमारे पास हम करते क्या है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप आइसो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप आइसोटोप परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, है ना, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप, है ना। तो अगर मैं देखूं तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप आपका है 35 ब्रोमीन 79, तो इसका परसेंटेज है 49.7 मल्टीप्लाई बाई इस आइसोटोप का, ये जो आपका आइसोटोप है जिसका परसेंट आपका था 49.7, इसका एटॉमिक मास क्या है तो 79, है ना, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप कितना है आपका 50.3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या है आपका 81, है ना, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 49.7 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप 50.3%। अगर यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपका 80.0 आपका AMU आएगा, यानी अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे ब्रोमीन का तो आपका लगभग 80 AMU आएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। ये आपका फर्स्ट आइसोटोप था, फर्स्ट ये आपका सेकेंड आइसोटोप था, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कुछ इस तरीके का है, बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स इज
3.2 वाट आर परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इतना एंड इतना इन आइस इन दी सैंपल। यहाँ पे दिया गया है आपका एक एलिमेंट है एक्स, इस एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है ना क्या है आपका 60.2 AMU है ना, या यू। तो इसका पूछ रहा है कि आपका अगर इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास इतना है तो आइसोटोप का परसेंटेज क्या होगा, इस आइसोटोप और इस आइसोटोप का परसेंटेज कितना होगा। तो हम जानते हैं कि भाई जो एक्स एलिमेंट है इसमें आपके दो आइसोटोप, इस एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं, एक आपका 8 8 x 16 एंड दूसरा क्या है x 8 8 x 18। मान लो इसका परसेंटेज आपका है x और इसका है आपका 100 - x है ना। इस आइसोटोप का परसेंटेज प्लस इस आइसोटोप का परसेंटेज क्या होगा आपका इक्वल टू 100 होगा। तो अगर इसका x मान लिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका 100 - x, दो ही आइसोटोप है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है आपका परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ये आपका फर्स्ट आइसोटोप है, ये सेकेंड आइसोटोप है। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इसका परसेंटेज मुझे आपका आपने माना है एक्स है ना, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो एटॉमिक मास कितना है आपका 16 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप 100 - x मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप कितना है आपका 18 और डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एक्स प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप 100 - x है ना। तो यहां से हमारा निकल के आएगा 16 x प्लस 1800 - 18 x और डिवाइड बाय 100। तो यहां से 1620 इक्वल टू 16 x - 18 x प्लस 1800 है ना। यहाँ से आपका आएगा, ये आएगा वैल्यू आपकी -2x प्लस 1800 इक्वल टू 1620। तो अगर इस क्वांटिटी को मैं राइट हैंड साइड लाता हूँ तो हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 1800 - 1620 x। तो यहाँ से आपका ये आएगा 180 है ना। x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 90, यानी इस वाले आइसोटोप का जो परसेंटेज है वो 90% है और इस वाले आइसोटोप का जो परसेंटेज है वो है आपका 10%। तो दोनों आइसोटोप का मैंने परसेंटेज निकाल लिया, एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके का है कि इफ जेड इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैकेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। एक एलिमेंट है भाई ठीक है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एलिमेंट होगा इस एलिमेंट में आपके 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है इस एलिमेंट का तो इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। और वास्तव में आपका ये लिथियम है क्योंकि तो लिथियम के केस में आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 3 होता है ना। तो एलिमेंट आपका कौन सा है लिथियम, और इसकी वैलेंसी देखोगे तो यह नोबेल गैस अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बनने के लिए इसके सबसे नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है आपका हीलियम। तो हीलियम जैसा ही बनना चाहेगा, हीलियम बनने के लिए ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी आपका इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है या शेयरिंग करता है वही उसकी क्या कहलाती है वैलेंसी। तो इस तरीके से आपका एलिमेंट का नाम होगा लिथियम और इसकी वैलेंसी क्या होगी आपकी 1। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई है ना।
आपका दो एटॉमिक स्पीसीज हैं, उनके न्यूक्लियाई का कंपोजिशन इस कुछ इस तरीके का है। आपका जो एलिमेंट एक्स है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, और वाई वाला जो एटम है उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 8 क्या है न्यूट्रॉन है। गिव द मास नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मुझे क्या बताना है मास नंबर। तो मास नंबर यानी ए इक्वल टू आपका जेड प्लस एन होता है, तो इसका एक्स का जो मास नंबर आएगा निकल करके आपका पी कितना है 6 और न्यूट्रॉन कितना है एन, है ना। इसका मास नंबर क्या निकल के आएगा ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6 है, यहाँ पे 12 है ना। इसी तरीके से वाई एलिमेंट आपका जो है, वाई एलिमेंट के बारे में देखोगे तो वाई एलिमेंट का आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8, 8 6 14, 14 आपके क्या है इसका जो एट मास नंबर होगा वह होगा 14, है ना। तो आपका एक्स एटम का मास नंबर कितना आया था 12 और वाई का कितना आया था मास नंबर 14, है ना। फिर कह रहा व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज। अब मुझे पता चल गया कि भाई जो आपका एटम एक्स था, इस एटम एक्स का मास नंबर 40 और वाई का मास नंबर आपका कितना आया, सॉरी एक्स एटम का जो मास नंबर निकल के आया है वह आया है 12 और वाई एलिमेंट का मास नंबर 14 है। और इसका इसमें देखोगे एक्स एटम में 6 प्रोटॉन है यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, वाई एटम में 6 आपका क्या है प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोटोप, यही इनके बीच में क्या होगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखोगे फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स, तो जे जे थॉम्सन परपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स, ये बात आपकी गलत है ना। जे जे थॉम्सन ने क्या यही परपोज किया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें किसी एटम के न्यूक्लियस में केवल क्या न्यूक्लियॉन्स होते हैं। भाई जे जे थॉम्सन जो थे उनका उन वो जो अपनी थीरी दिए थे उस थीरी में न्यूक्लियस शब्द का यूज ही नहीं हुआ था, तो ये आपका फॉल्स है। फिर कह रहा है ए न्यूट्रॉन इज फॉर्मड बाय दी एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज कॉल्ड न्यूट्रल, ये बात आपकी ट्रू है। ऐसा माना जाता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के योग से बनता है। न्यूट्रॉन इसलिए वो न्यूट्रल होता है क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज, दोनों का चार्ज इक्वल होता है बट चार्ज क्या होता है अपोजिट होता है। कह रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह प्रोटॉन के मास से लगभग 2000 गुना कम होता है, ये बात आपका ट्रू है। एक आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना, विच इज एज मेडिसिन, ये बात आपका क्या है ये न्यूट्रॉन इज फॉर्म ए मास द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह लगभग 2000 नहीं 1837 गुना, 1837 गुना यानी फास होगा। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 गुना क्या होता है आपका कम होता है। और फिर अगला बोल रहा है आपका आयोडीन का एक आइसोटोप जो होता है वह टिंचर आयोडीन बनाने के काम आता है जो कि एक मेडिसिन के रूप में काम करता है ना। ये भी बात अभी क्या है गलत है। फॉल्स। अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया गया है।